कुछ नया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ श्वेता। आज मैं बनाने जा रही हूँ हम सबका फेवरेट पापड़ी चाट। इसके लिए मैंने लिए हैं पापड़ी जिसे मैंने घर पर बनाया है। आप चाहे तो इसे मार्केट से भी ले सकते हैं। मैंने लिए हैं छोले जिसे मैंने ओवरनाइट भिगो कर रखा था और फिर इसे 3 सीटी लगाकर बॉयल कर लिया। इसमें मैंने 1/2 चम्मच नमक डाला है और 1/2 चम्मच हल्दी डाला है, बारीक कटे हुए प्याज, इमली का पानी, हरा धनिया, बारीक कटे हुए हरी मिर्च, टमाटर की चटनी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, दही, काला नमक, चिली फ्लेक्स, जीरा पाउडर, बारीक कटे हुए टमाटर, चाट मसाला। तो चलिए बनाते हैं पापड़ी चाट। इसके लिए लेंगे हम एक बाउल जिसमें हम पापड़ी चाट बनाएंगे। सबसे पहले डालेंगे हम इसमें पापड़ी। आप चाहे तो इसे क्रश कर सकते हैं, मैंने इसे क्रश नहीं किया है। अब हम इसमें डालेंगे छोले। इस पर दही डालेंगे। इमली का पानी, बारीक कटे हुए प्याज, थोड़ा सा टमाटर, टमाटर की चटनी। स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक, मैंने छोले में भी नमक डाला है, थोड़ा सा काला नमक, हरी मिर्च, लाल मिर्च, चाट मसाला, चिली फ्लेक्स, बारीक कटे हुए हरे धनिया, जीरा पाउडर। एक पापड़ी को हम ऐसे क्रश करके डाल देंगे। पापड़ी चाट हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ये बहुत ही टेस्टी है, आप इसे जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये पापड़ी चाट की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।